अमाउंट कैसा लेता है इधर? तीन इधर पांच इधर पांच इधर तीन इधर इधर ऐसा दिया ना यूपी टू टाइम टू टाइम टू बी टू मतलब रेडी डिसऑनर रिस्क नोटिंग इधर भी नोटिंग चार्जेस दिख जाए ना रिन्यूअल में मतलब डिसऑनर इज विद नोटिंग चार्ज तो बीपी नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर दैट इज दैट करो डिस्कस सर फॉर द बैलेंस सर नोटिंग चार्ज क्रेडिट में नहीं डेबिट 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 इसलिए तो पे कर दो बैलेंस में करो या कैश में करो सी व्हाट इज योर फर्स्ट एंट्री परचेज टू राम बराबर परचेज टू राम विल बी 80,000 देन राम टू बीपी टू बैंक ये आया आपको राम टू बीपी टू बैंक मिला 853 853 बीपी एक्सेप्टेड एंड चेक पे बीपी एक्सेप्टेड एंड चेक पे देन इज बी गॉट इट व्हाट इज द 15 नेक्स्ट थिंग विल यू पास एंट्री फॉर दैट बिल ऑनर्ड सॉरी बिल एंडोर्स बिल डिस्काउंटेड सीधा पहला बिल ऑनर हो रहा है तो बीपी टू कैश 2005 व्हाट इज द ड्यू डेट बराबर है बीपी ऑनर्ड समझ आया दूसरा बिल हो रहा है रिन्यू रिन्यूअल का फर्स्ट स्टेप क्या होता है डिसऑनर इज इट हैपनिंग विथ नोटिंग चार्जेस और विदाउट विथ नोटिंग चार्जेस क्योंकि सम में नोटिंग चार्जेस मेंशन्ड है अगेन आई एम रिपीटिंग बीआर के वक्त भी बीपी के वक्त भी कहीं पर भी रिन्यूअल में नोटिंग चार्जेस दिख जाए मतलब डिसऑनर इज विथ बस तो इसका डिसऑनर एंट्री होगा बीपी नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर ड्रॉवर कौन है राम बीपी कितना का था 25 नोटिंग चार्जेस कितना है 20 2520 दिस इज ऑन 28 जून जून है ना जुलाई 4 महीने का जुलाई फिर पार्ट पेमेंट आएगा कि इंटरेस्ट क्यों
कैश अलोंग विद इंटरेस्ट, बराबर है। सो पहले इंटरेस्ट का एंट्री, सो इंटरेस्ट टू राम। अभी इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, कितना दे रहा है वो, 1000 रुपया दे रहा है, 1000 दे रहा है ना कैश में, या फिर 1000 इन कैश, तो हाउ मच इज स्पेंडिंग, 1500। सो इंटरेस्ट विल बी ऑन 1500 पे फॉर 30 रुपीज आया, दिस इज इंटरेस्ट टूडा पेबल। फिर पार्ट पेमेंट, व्हाट इज द एंट्री फॉर पार्ट पेमेंट, राम टू कैश। अच्छा व्हाट आर यू पेइंग इन कैश, 1000 प्लस इंटरेस्ट, तो 1030, 1000 प्लस इंटरेस्ट, दिस इज पार्ट पेमेंट, दिस इज क्लियर। एंड एन न्यू बिल इज एक्सेप्टेड, सो राम टू बिल्स पेबल, कितना आएगा ये, देखो अंडरस्टैंड दिस, 2500 का बिल था, 2500 का, उसमें से 1000 का इंटरेस्ट दे दिया, बचा कितना, 1500, और कुछ, और क्या दे रहा है, नोटिंग चार्ज। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू बिल, 1520। कैसा आया समझा, बिल का 1500 प्लस नोटिंग चार्जेस का 20। अगर 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 उसने नोटिंग चार्जेस कैश में दिया होता तो इधर 1050 आता और उधर 1500। अगर उसने इंटरेस्ट न्यू बिल के साथ दिया होता तो उधर 1550, इधर 1000। शफल करना है, स्टेटमेंट पढ़ना है, शफल कर जा रहा है दिमाग में, नोटिंग चार्जेस इंटरेस्ट आर पार्टिबल, कैश में तो कैश में लिखो, न्यू बिल में तो न्यू बिल में, समझा। और अगर रिन्यूअल में नोटिंग चार्जेस वर्ड दिख गया, मतलब डिसऑनरेसी नोटिंग चार्ज, यही ध्यान, बस हो गया। अभी नया बिल, व्हाट इज हैपनिंग टू द रिन्यूअल बिल, इंस्टॉलमेंट, तो वापस बीपी टू राम 1520। डेट क्या आएगा इसका, 1 10 10, एंड देन राम टू कैश टू डेफिशिएंसी, कितना दिया, 1520 का डेफिशिएंसी, बीइंग पार्ट कैश पेड एंड बैलेंस ट्रांसफर्ड टू डेफिशिएंसी, पार्ट कैश पेड एंड बैलेंस ट्रांसफर्ड टू, या कैश पेड एंड डेफिशिएंसी रिकॉर्ड, कैश पेड एंड डेफिशिएंसी रिकॉर्डेड, कैश पेड एंड डेफिशिएंसी रिकॉर्ड, लास्ट 11 सम, करो 11th इज द लास्ट सम फॉर द डे, करो ध्यान, कल बीपी खत्म हो जाएगा, टुमारो इज लास्ट लेक्चर ऑफ बीपी, विल बी स्टार्टिंग विद नेक्स्ट एंट्रीज, टुमारो विल स्टार्ट 11th, लास्ट सम फॉर द डे, 11th सम, 11th में नरेशन मत लिखो चलेगा, उसमें भी नोटिंग चार्जेस है, 11th में भी ध्यान से कर, 11th करो, मैं डिस्कस करता हूं फिर जाओ। लेजर हुआ टैली 12-13 का कल का, क्या है टैली अमाउंट जरा बोल दो, 12 और 13, 12 का कितने पे हो रहा है टैली, 12 का 12070 और 13 का 19067 एंड 12070, बराबर चेक कर, बाद में देखो, बाद में चेक, ओके करो चलो ठीक है, नंबर आई कुछ 12-13 आई कुछ करो, लास्ट सम सब नंबर 11
जम रहे हैं अभी वो पहले वाला और इसमें सब आएगा भी इसके बुक में लिखोगे आप सुनील अनिल सोल्ड टू सुनील वी आर राइटिंग इन द बुक्स ऑफ सुनील परचेज टू अनिल 7,000 और फिर आप दे रहे हो उसको बिल्स तो अनिल टू बीपी 7,000 दो बिल से 2,500 है 4,500 2,500 हो रहा है ऑनर 4,500 हो रहा है रिन्यू पहले ऑनर फिर रिन्यू चलो करो ध्यान नहीं स्किप नरेशन अभी कोई भी समय नरेशन नहीं आगे ऑनर नहीं हुआ है डिसऑनर हुआ पहले डिसऑनर करना है दूसरा वाला बीपी टू अनिल और फिर अनिल टू बैंक लेकिन अनिल टू बैंक में डेट मत लिखी बोला था ना उसका बाउंस होने का एक दो दिन बाद उसने पैसा दे दिया तो लास्ट एंट्री में डेट नहीं आया फर्स्ट एंट्री में भी नहीं पहला बिल डिसऑनर इज विद नोटिंग चार्ज 50 रुपए नोटिंग चार्जेस 4,500 बीपी नोटिंग चार्जेस टू अनिल
बस सर हो गया हो गया चेक द आंसर सम नंबर 11 पहला आएगा परचेज टू अनिल 7000 फिर अनिल टू बिल्स पेबल 7000 परचेज टू अनिल का डेट मत लिखना हेलो परचेज टू अनिल 7000 अनिल टू बिल्स पेबल 7000 दैट इज ऑन 24th September देन बीपी टू कैश 2500 ऑनर हुआ है ना फर्स्ट वन बीपी टू कैश 2500 डेट इज 27/12/10 बराबर है उसके बाद दूसरा वाला हुआ है रिन्यू तो डिसऑनर एंट्री बीपी नोटिंग चार्जेस टू अनिल 4500 50 and 4550 बराबर डेट विल बी 27/1/2011 करेक्ट 27/1 चार महीने का बिल 2011 देन पार्ट पेमेंट है क्या उसमें इंटरेस्ट टू अनिल 200 और अनिल टू बीपी 4750 ऑल आर हैपनिंग ऑन 27/1/2011 और फिर वो भी बाउंस हुआ तो बीपी टू अनिल 4750 नहीं बीपी टू अनिल का डेट आएगा 30th March 2011 ये वाला 4500 था ये गलत है 4550 और फिर अनिल टू बैंक 4750 उसमें डेट डैश उसका मतलब समझा आपको बिल तो काउंट हो गया लेकिन हमने पैसा दे दिया क्या हमने सेम डेट पे पैसे दिए हैं सेम डेट पे दे सकते हो क्यों अगर सेम डेट पे दिया तो ऑनर हो जाए बिल हो गया डिसऑनर एक दो दिन बाद दे तब दिया पता नहीं तो डैश होमवर्क के लिए आज दो सम्स आएंगे आपको ओके बीपी के टू सम्स ऑफ बेस पेपर इज्जत से करना स्टैंडर्ड विथ लेजर नहीं खाली जर्नल टू सम्स ओनली जर्नल चलो शो मी